फिर सब लोग निकाल के भाग गया वहाँ से छपरी, 10/10 छपरी, साला छपरी को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई सड़क पर चलते समय आपको कई सारे ऐसे कम उम्र के लड़के मिल जाते होंगे जो अपने बाइकों को बिल्कुल ही गलत तरह से चलाते हैं। भाई लोग ना किसी भी तरह का नियम कानून फॉलो करेंगे, ना खुद के सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनेंगे, या सिर्फ भौकाल दिखाने के चक्कर में हवाबाजियां करते हैं। और अगर गलती से भी इनके पास कोई स्पोर्ट्स बाइक है, चाहे वो 155 सीसी वाली ही क्यों ना हो, तो समझ लीजिए ये अलग ही लेवल का कहर ढाएंगे। ये फुल स्पीड में बाइकों को भगाते हैं और इधर उधर कट मारते हुए निकलते हैं। हालांकि ये सब करने से ज्यादातर इन्हीं का नुकसान होता है, और ऐसा ही कुछ आप आज के इस वीडियो में भी देखेंगे, जिसे वेस्ट बंगाल से मिस्टर अमित मंडल ने शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। ये एक्सीडेंट रिसेंटली वेस्ट बंगाल के फरक्का में हुआ है, जिसका पहले आप ये वीडियो देखिए। सब लोग निकाल के भाग गया वहाँ से छपरी, 10/10 छपरी। ना इन लोगों के पास हेलमेट वगैरह कुछ नहीं है, 3 बंदा बिठा के जा रहा है। अरे साला छपरी को। अमित एक मोटो व्लॉगर हैं और ये अपनी यमहा MT-15 से दोस्तों के साथ ऐसे ही राइड पर निकले थे। अब हुआ क्या कि हाईवे पर कुछ दूर चलते ही एक दूसरे MT बाइक पर 3 लड़के पीछे से आए और ऐसे ही इनसे भौकाल दिखाने और रेस लगाने की कोशिश करने लगे। आप देख सकते हैं ये भाई लोग सभी गाड़ियों को तेज रफ्तार में गलत तरह से ओवरटेक करते हुए जा रहे हैं, और एक जगह पर पुलिस वालों ने भी इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भाई लोग नहीं रुके, वो निकल गए। अब इस तरह नॉनसेंस राइडिंग नुकसान तो पहुंचाती ही है, और हुआ भी वैसा ही कुछ। थोड़ी दूर जाने के बाद एक जगह पर जल्दबाजी में ओवरटेक करते समय MT के राइडर का कंट्रोल खो गया और भाई सीधा सामने चल रहे पिकअप के बैक साइड में जाकर घुस गए। बाइक यहाँ पर ठीक ठाक रफ्तार में थी, इसीलिए टक्कर भी काफी जबरदस्त हुआ। आप क्लियरली देख पा रहे होंगे इंपैक्ट से तीनों भाई लोग बिल्कुल हवा में उछल गए हैं और इनका सर सीधा पिकअप के बैक साइड में लड़ा है, जिससे इनको चोटें भी आ गई थी। तो भाई आप देख सकते हैं किस तरह से दिखावे और भौकाल के चक्कर में खतरनाक एक्सीडेंट्स होते हैं। कम उम्र के लड़के समझते नहीं है इस चीज को, जोश में आकर वो कुछ भी करने लगते हैं, जिससे उनका और सामने वालों का बिना वजह नुकसान होता है। गाड़ी कोई भी हो, उसे हमेशा रोड लिमिट के हिसाब से ही चलाना चाहिए। अमित जिन्होंने वीडियो शेयर किया है वो भी एक दो बार बाइक को लिमिट से ऊपर लेकर गए हैं, जो बिल्कुल गलत है। बाकी भाई आप लोगों का इस एक्सीडेंट पर क्या मानना है कमेंट में बताइए।